वेलकम नाजीन, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, टैग टीवी पे देखा करते हैं हर हफ्ते। 16 दिसंबर नज़दीक आ गया, ये वो तारीख है जबकि पाकिस्तान दो लख्त हो गया था, दो टुकड़े हो गया था, तकसीम हो गया था, सकूत ढाका हुआ था। इसका कौन ज़िम्मेदार था? सियासतदान, सिविलियन या कोई और अवामिल थे, या इसके पीछे कोई एक ऐसा नज़रिया फ़िक्र पनप रही थी जो कि शायद जिसकी बुनियाद ही नहीं पड़नी चाहिए थी। 2.5 लाख मुहब्बे वतन आज भी पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश में बस रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? इन सब बातों पे और इसकी तारीख के औराक से हम बातें करेंगे। हमारे साथ आज एक पैनल है मेहमानों का, सीनियर सफारतकार हमें याह नकवी साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे टैग टीवी के ताहिर असलम कोरा साहब ज्वाइन करेंगे, उसके अलावा हमें वॉइस ऑफ अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ से वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान के जैद सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, वॉइस ऑफ अमेरिका से टॉक शो करते हैं बहरोज खान साहब ज्वाइन करेंगे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद। आज का मौजू जैसा कि आप हजरात के इल्म में हैं, एक सानिया रूनुमा हुआ था और वो सानिया हमारे इस पैनल में मौजूद ज़िया नकवी साहब ने अपनी आंखों से देखा, ऐनी गवाह हैं। उनके उन्होंने तारीख के बहुत से औराक अपने उस ज़माने से गुजरे हैं, उनके सामने ये बातें हुई हैं, तो मैं क्यों ना उनसे शुरू करूँ ज़िया नकवी साहब से। 16 दिसंबर जब भी आता है हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये वाकया हमारे ही मुल्क के साथ हुआ था, ये पाकिस्तान की ही हम बात कर रहे हैं। इसको हम ऐसे हमारे मीडिया, अस्करी, सिविलियन, जजेस सब भूल जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा ही नहीं है। याह नकवी साहब कितना बड़ा आलमी है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पाकिस्तान का सानिहा तो इतना सख्त है कि आज भी जब उसको नाकाबिले फरामोश है जी, और आज भी जब याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। मुझे वो वक्त याद है जब हमारी जंग शुरू हुई थी इस पाकिस्तान में, उससे पहले का भी खैर अभी मैं बताता हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत ही इत्मीनान से रेडियो पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हमारा सरेंडर पल्टन मैदान में हमारी फ़ौजों ने बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन उसके बाद एक मुआहदे के तहत सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मैं लिटरली बेतहाशा रोया था। इसमें तो बहुत ही गहरे अवामिल शामिल हैं, जैसे आपने कहा इसके कई पस मंज़र हैं, एक हिस्टोरिकल पस मंज़र है, एक इमीडिएट पस मंज़र है, और इसमें ये डिसाइड करना, इसमें जितनी भी एनालिसिस हो चुकी है और हो सकती है कि कौन कौन से लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं या कोई, तो ये तो पूरी हिस्ट्री है जब से पाकिस्तान बना जी। लेकिन जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें मैं बता सकता हूँ कि 3-4 बड़े मेजर फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में एक नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म राइज हुआ, इसलिए कि पॉलिटिकल राइट्स बंगालियों को नहीं मिल सके, और उसकी भी वजह है। दूसरी वजह ये थी कि कल्चरल डिफरेंसेस थे, उसकी भी वजह है कि कल्चरल डिफरेंसेस का क्यों नहीं ख्याल किया गया। लैंग्वेज का सबसे पहले मसला उठा और उस लैंग्वेज के मसले को जब नहीं माना गया 54 से पहले, तो उस वक्त एजिटेशन होते रहे लैंग्वेज की वजह से। सोशल एलिमेंट्स थे, और फिर एक सबसे बड़ा जो था वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन था, जो सब मिल के ये बढ़ते रहे, और हम इस वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से इतनी कोशिशें नहीं हुई और इतना वो नहीं हुआ कि उसका कोई सद्देबाब हो सकता है। अगर मैं इस आपको इस वक्त यहीं पे एक लम्हे के लिए तकलामी करूं, और आपने जो अवामिल बताए हैं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आज की नौजवान नस्ल है वो ये महसूस कर रही होगी कि ये तो वही बातें याह नकवी साहब इस वक्त कर रहे हैं टेलीविज़न पे, जो कि जिससे आज पाकिस्तान के कई सूबे गुजर रहे हैं। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक पूरी ऑपरेशन सहते हुए एक तंजीम जो है वो आज यहाँ तक पहुँची है कि उसको आइसोलेट करके दीवार से लगा दिया गया है। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब, कुछ फेमिलियर सा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया अनीस फारूक साहब, मैं आपको और जो इतने मौजूद मेहमान ग्रामी तशरीफ़ फरमाए हैं यहाँ, या नकवी साहब, ताहिर असलम गोरा साहब और बहरोज खान साहब, उन सबको अपना सलाम अर्ज करता हूँ, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अनीस फारूक साहब आपको और आपके इस चैनल के रूह रवान ताहिर असलम गोरा साहब को, के कनाडा में बैठते हुए आपने पाकिस्तान के इतने अहम मौजू पर आज ये नशिस्त सजाई है। असल में पाकिस्तानियत और पाकिस्तान से मोहब्बत यही है कि हम अपने मुल्क का दर्द और उसका दर्द महसूस कर रहे हैं, उसका मातम कर रहे हैं।
जो कुछ यही नकवी साहब ने फरमाया जो अवामिल हैं, तो यकीनन उन अवामिल पर अगर आप गौर फरमाएं और जिसका नतीजा, बल्कि मैं इसको यूं अर्ज करूंगा कि किसी का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, एकदम नहीं होता। तो ये 24 साल तक जो परवरिश पाई है नाइंसाफियों ने 1947 से लेकर 71 तक, जिस तरह से हमने, यानी कि वो मशरकी पाकिस्तान जो 56% था, जो रकबे में आबादी में बड़ा था, और मगरबी पाकिस्तान जो 44% था, हमने यानी कि अकलियत ने उस अक्सरियत को क़याम पाकिस्तान के रोजे अव्वल से दबाए रखा और उनको उनके हक नहीं दिए, उनके उन्हें उनके सियासी हुकूक से महरूम रखा गया, माशी हुकूक से, हर तरह के हुकूक से उनको महरूम रखा गया। और जब उन्होंने 1970 में एक जमहूरी रास्ते अख्तियार करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो इख्तदार देने के बजाय हमने तो वहां उनको गोला बारूद और फौजकशी दी है। नतीजा हमारे सामने है कि 1971 में कायद आजम का पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और बदकिस्मती से आज मौजूदा पाकिस्तान जो है वो, यानी कि वही हालात देख रहा है, बलूचिस्तान में भी वही 1971 है, वही मशरकी पाकिस्तान है, पश्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है, सिंध में, कराची में यही कुछ सूरत हाल है। लगता ही है सवाल का जवाब मिल गया कि आप ये कह रहे हैं कि अवामिल वही हैं, तमाम उसी तरफ इशारे जा रहे हैं, वही सूरत हाल दीवार से लगाने की कौमों को है। बेरोज़ खान साहब, मुस्तफ़ा भाई ने अभी जिक्र किया पश्तून कम्युनिटी का एक अपराइजिंग है वहाँ पे, एक बिफरे हुए लोग हैं अचानक निकल आए हैं, तो ये भी क्या आप समझ रहे हैं कि इसी से मिलता जुलता रुझान वहाँ भी पाया जा रहा है कुछ? शुक्रिया और सबको मेरा सलाम भी हो। मेरा ख्याल है कि ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि अजय भाई साहब ने जो शेर हादसा एकदम नहीं होता, हाँ हादसा एकदम नहीं होता जी, वो वक्त करता है परवरिश बरसों, बहुत कुछ उसमें उन्होंने समेट लिया। बात ये कि पश्तून उसकी बात करते हैं, 40 साल से ज्यादा हो गए कि अफगानिस्तान में इस खत्ते को जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था, तो आप लोगों ने तारीख पढ़ी है, हमें तो पाकिस्तान में तारीख कुछ और ही पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो अंग्रेज को उस वक्त सिर्फ पश्तून इलाके में दिलचस्पी थी, बाकी पाकिस्तान में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। बाकी पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं कोई करते हैं, उनको दिलचस्पी नहीं थी। उस वक्त एक एक्सपैंडिंग वो जो सोवियत यूनियन था वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तो पहुंच गया था, ये और नीचे उनको उनको ये खतरा था कि जब अफगानिस्तान में आएंगे तब इनका रास्ता रोका जाएगा। तो उनको पश्तून इलाके चाहिए थे, पाकिस्तान बनाना था उनको, ये किसी को भी इसका क्रेडिट दे दे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को दे दे, उनके सारे साथियों को दे दे, नेहरू पे को दे दे जी। लेकिन पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था वो इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बर्तानिया जो था वो एक ड्विंडलिंग एम्पायर था, वो तो तकरीबन समेट चुका था अपना सब कुछ, लेकिन एक नया उभरता हुआ जो ताकत था वो अमेरिका था, और अमेरिका की कैपिटलिज्म और उनकी सोशलिज्म या कम्युनिज्म या जो भी इज्म, जंग तो उनके दरमियान है था, अफगानिस्तान में उनको गेयर था। ये उस वक्त की सेनेट की डिस्कशन है, यहाँ अमेरिकन सेनेट की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इलाके इनको चाहिए थे, जब सोवियत यूनियन उन्होंने या गलती की या मस्ती की या प्लानिंग की अफगानिस्तान में आए, तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था पाकिस्तान आ गया, और उन लोगों को जो महाजर बने अफगानिस्तान से, पाकिस्तान ने अपने सारे बॉर्डर खोल दिए, महाजरीन आए, जिन कैंपों में महाजरीन को रखा वो कैंप उनके ट्रेनिंग सेंटर बन गए और वो मुजाहिदीन बन गए।
जी तो ये प्लानिंग का हिस्सा था। अब जो बात है, अभी जो अपराइजिंग है ये उसका कंटिन्यूएशन है। ये सारा इलाका विटमिन की जंग में भी यूज हुआ, फिर जब अमेरिका अमेरिका दोबारा जी जी तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ये जो फौजी कायदे थे तो रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, तो अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में उलझा रखा, पश्तून का चेहरा ऐसा दिखाया कि ये तरह करे, ये टेररिस्ट है, दहशतगर्द है जी। और अफगानिस्तान में भी अमरीकी फौजियों को मारा, वहां भी पश्तून मरे, तालिब भी आ गए, बदनामी भी पश्तून की हुई, कमजोरी भी पश्तून की हुई, कंफ्यूज भी पश्तून हुआ। तो इस कंफ्यूजन में, इस बम धमाकों में, इस अपरा तफरी में पश्तून का जो नया जनरेशन अभी उभरा है, उभरी है, ये तालीमी याफ्ता पश्तून है, ये वो मजाही पश्तून नहीं। मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आता हूँ। मैं बहरोज खान साहब और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने जो एक अलमिया बयान किया है, ताहिर असलम गौर साहब, उसमें मैं वो कॉमन फैक्टर तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जो बांग्लादेश से हम रिलेट करते हैं, वो महरूमियाँ, वो जुल्म, वो मजालिम, वो कानून को ना मानना, वो इंसानी हकूक को ना मानना, और इसके पीछे एक एक ही कॉमन मुश्तरका कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है जो कि हमें उसको फाइंड आउट करना है। ताहिर असलम गौर साहब, आप कैसे सम अप करते हैं इसको? देखिए, वो जो कॉमन फैक्टर है, अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँ तो वो एक माइंड सेट है जी। यानी पाकिस्तान में एक ख़ास तरह का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का माइंड सेट है जो उनको ना तो बात समझने दे रहा है और ना ही उस मुल्क को, जो ऑलरेडी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है और अब दो उसके मुल्क बन चुके हैं और जो बाकी रह गया मुल्क, उसमें भी वो माइंड सेट वही चल रहा है। उन्होंने लगता है कि पहले भी कुछ नहीं सीखा और अब भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट की जब बात होती है तो उसमें मैं, वो सब कहते हैं फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, बिल्कुल हैं, उसके साथ साथ जो अशराफिया भी हैं ना, जैसे जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप के पॉलिटिशियंस हैं, वो सब उनका एक हिस्सा बने हुए हैं। वो एक ऐसा, उन्होंने अपने तौर पर मफाद का खेल रचाया हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम हैं तो ये है, उनको ये नहीं पता कि वही थे तो ये मुल्क टूट गया, अब भी वही हैं, तो इस तरह ये मुल्क अगर ना भी टूटे तो जो उसकी हालत है वो मतलब टूटने से भी बदतर है। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल जो है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ रही, मैं उस एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान के जो मीडिया के जो टॉप के लोग हैं उनको भी शामिल करता हूँ। जी, 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 जी। कोई भी सूरत हाल को समझना नहीं चाहता। बात यह है कि अवामल की हम बात करें, पाकिस्तान बनने की, फिर टूटने की, वो तो महीनों हम बातें करते रहेंगे जी। देखना ये है कि आज 2018 में और 2019 के दहाने पर हम खड़े हैं, क्या हम इन सारे माइंडसेट को समेटे हुए अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, जबकि इस वक्त हमारी हालत ये है कि हमारे बुलंदोबांग नारे और दावे अपनी जगह पर, हम तो $6 बिलियन इकट्ठा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी रियलिटी इकॉनमी होती है, इकॉनमी में हमारा इतना बुरा हाल है और हम अपनी कौमीतों की भी, उनके साथ भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस कर रहे हैं, फिनेंशियली तौर पर भी हम अबतर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो बेशक हम आगे जाकर ना टूटे, मगर ये जो हालत है ये तो टूटने से भी ज़्यादा बदतर है। चलिए, हम अब वापस उसी मौजू पे आते हैं। हम याह नकवी साहब को एक मरतबा फिर दरख्वास्त करते हैं कि आपने क्या देखा जब ये पाकिस्तान दो लख्त हुआ, क्या इस बात में सच्चाई है कि बंगालियों के साथ नारवा सलूक किया गया था, क्या इस बात में सच्चाई है कि ख्वातीन की इस्मत दरी की गई थी, क्या इस बात में सच्चाई है कि उनको ना सिर्फ ये कि मारा पीटा गया था बल्कि जानवरों की तरह उनको भरेना करके उनकी तलाशी ली जाती थी, इस बात में किस हद तक सच्चाई है, कितने लाख बंगाली मार दिए हम लोगों ने, ये कुछ बताइएगा जी। ये देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब अपराइजिंग हुई और उन्होंने, मुजीबुर रहमान ने इंडिपेंडेंस का नारा बुलंद कर दिया, तो एक तो ये कि पाकिस्तानी फ़ौज का पूरा ये था एटीट्यूड कि इनको क्रश करना। उस क्रश करने के लिए, वो तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है,
और उस कमीशन रिपोर्ट में बिल्कुल खुल के साफ साफ ये लिखा गया है कि एक तो क्रशिंग के लिए बहुत एट्रोसिटीज़ भी हुई और एक्सेसेस भी हुई और जिसमें बहुत ख्वातीन का भी रेप हुआ और लोग भी मारे गए बेगुनाह और अपने ही लोग बंगाली बेदाह मारे गए और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बात पड़ी और फिर हिंदुस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के इंटरवेंशन की। लेकिन ये बिल्कुल तय बात थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ये सोच रही थी और उसको ये मैंडेट भी था कि वो किसी तरह इस अपराइजिंग को एंड वो समझ रही थी कि किसी तरह इस अपराइजिंग को क्रश कर देगी, जो कि वो फिर नहीं मुमकिन हो सका और उसकी वजह से फिर फ़ौज को भी शिकस्त हुई और सरेंडर हुआ और मुल्क तो दो टुकड़े हो गए। इससे तो ये तो हकीकत है। जी हाँ जी हाँ ठीक। तो इसमें ताहिर साहब को सब बैक टू यू, मैं ये सवाल पूछूंगा कि ये जो हम देखते हैं मजालिम हुए सब कुछ हुआ और इसके पीछे एक माइंड सेट था, तो वो माइंड सेट ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है वो माइंड सेट आज महाजरों के साथ, पश्तूनों के साथ और बलूचों के साथ और सिंधियों के साथ भी यही सलूक रवा रखा है, तो वो क्या चाहते हैं? वो फिर चाहते हैं कि ये तारीख दोहराई जाए? क्या वो अपनी तारीख से जोग्राफिया बदलना चाहते हैं? फिर देखिए, ये माइंडसेट कोई नया तो है नहीं, ये तो कंटिन्यूटी है और चाहते इस माइंडसेट से वो क्या है उनको खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं। उनका तो यही ख्याल है कि वो रखवाले हैं जी। उनका यही ख्याल है कि उनकी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान कायम उदायम है। उनको ये नहीं पता कि कायम उदायम रहा ही नहीं तो 71 में टूट चुका है। मैं खुद पंजाब से हूँ, मेरे पंजाबी दोस्त मेरे साथ रिटेलिएट करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कभी टूटने के लिए नहीं बना। मैंने कहा यार कोई हकाइक से तो आंखें ना चुराओ, वो तो एक दफ़ा टूट चुका और बहुत बुरी तरह टूट चुका हुआ जी। बिल्कुल। अब जो आगे सूरत हाल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मेरा जो सरोकार है पाकिस्तान के टूटने से ज़्यादा जो उसकी इस वक्त की हालत है जी, उससे ज़्यादा है कि जब कोई भी कौम कोई भी मुल्क कभी भी सुकून के साथ नहीं रह सकता जब तक उसके बासी सुकून के साथ ना हो जी। जब उस मुल्क की जो मैं कौमियतें कहता हूँ, मैं कोई एथनिक वर्ड भी मुझे घटिया लगता है, जब उस मुल्क के सारे शहरी इक्वल नहीं हैं, पश्तूनों को जैसे एक महाराई जो थी जो इंटरनेशनल जिसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कारोबार किया, उन्होंने उनको उस महाजराई में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इसी तरह इतनी बड़ी तादाद महाजर बहन भाइयों की, उनके साथ कभी भी ख़ास तौर पर गुज़श्ता 30-35 सालों से उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, चूँकि वो यही मसला बना नस्ली तसवाद का। बलोच कभी भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं रहे, सिंधियों के लिए आपने कभी भी अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, मेरी मुराद या जब मैं आप कहता हूँ तो इस्टेब्लिशमेंट। तो जब ये रवैया है, आपने बांग्लादेश के रास्ते पर क्या चलना है? जो रास्ता आपने अपनाया हुआ है वो रास्ता बजाते खुद इतना ख़तरनाक और इस कदर घटिया है कि उसकी जितनी मजम्मत की जाए कामयाब जी। बारोसान साहब, ड्यूरल लाइन पे भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे ज़रा वजाहत चाहता हूँ, वो ये कि अफगानिस्तान ने कुछ इलाका लीज़ पे पाकिस्तान में शामिल किया था जिसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है कुछ सालों पहले, और वो भी एक उठ सकता है मामला, उस बारे में कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? अफगानिस्तान का क्या? एक पाकिस्तान की एक पट्टी जो है वो अच्छी खासी फाटा में जो है वो अफगानिस्तान अपना क्लेम करता है कि वो उसका हिस्सा है। अफगानिस्तान तो सिर्फ फाटा को नहीं क्लेम करता, अफगानिस्तान तो कहते हैं कि इस्लामाबाद का जो मारगला है से मारगला तक थ्रू और इंडस रोड जो है ये कैपिटल बाउंड्री है, ये पुराना अफगानिस्तान था जब अंग्रेज ने कब्जा किया था और पाकिस्तान ने शामिल कर दिया था। मैंने कहा किस मकसद की है, मैंने शुरू में बात की है। अच्छा, ड्यूरन जो है ड्यूरन का मसला, ड्यूरन का ड्यूरन की बात ये है कि आप खुद एक कराची में या लाहौर में या किसी दूसरे शहर में जहाँ पे एक ही जुबान बोलने वाले लोग हों तो उनके दरमियान अगर आप दीवार खड़ी करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि आप जोरावर हैं, आप ताकतवर हैं, आप कुछ प्लानिंग के तहत ये कर रहे हैं। तो अंग्रेज ने तो वही किया था। अभी जो नई नस्ल है वो नहीं मानती इस चीज को, बल्कि ओपन बाउंड्रीज, और अगर पाकिस्तान अपनी मुफाद की बात करता है, अगर मुफाद की सोचता है कोई पाकिस्तान में, तो ये जो पश्तून है पाकिस्तान के पश्तून, ये एक ब्रिज का काम दे सकते हैं अफगानिस्तान के साथ।
अगर अफगानिस्तान के साथ महाराई करेंगे तो ये पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ उठेंगे, इसलिए कि उस तरफ भी पश्तून मरेंगे, इस तरफ भी पश्तून मरेंगे, तो फिर पश्तून अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे, वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त ये जो बाहर लगाना है या दीवारें खड़ी करनी है यूएन से, और करतारपुर में वो कॉरिडोर ओपन कर रहा है उन लोगों के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए जिस हिंदुस्तान के मजहब के नाम पे ये अलग हुआ, तो ये जो चीज है ये स्नोबॉलिंग ये जमा हो रही है चीजें सारी। और मुस्तफा अजीज अवैसी साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, यंग पश्तून अपराइजिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान में और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, जिससे हमें एमकेएम की याद ताज़ा हो जाती है कि जो एक मुनज़्ज़म तरीन पाकिस्तान की पार्टी है। मेरा हर प्रोग्राम में एक सवाल होता है कि क्या हम मज़लूम महरूम तबकात नज़रियात और कौमियतें जो हैं वो एक मुत्तहिद जद्दोजहद कर सकती हैं आगे चल के आने वाले दिनों में अपने हकूक़ के लिए आइन को तस्लीम करते हुए, जैसे कि इमरान खान नारा लगाते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान तो हम देखते ही नहीं, क्योंकि एक पाकिस्तान का मतलब होता है एक आइन सबके लिए बराबर, जिसमें कि आज़ादी इजहार राय जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब को आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी है हाई कोर्ट ने, गैर आइनी गैर कानूनी, उसको ख़त्म हुए भी 6 महीने की मियाद थी, ख़त्म हुए भी अरसा हो गया, तो ये दो नहीं एक पाकिस्तान वाला तसव्वुर क्या आप समझते हैं कि आज मौजूद है, एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? नहीं, तसव्वुर तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ताकत है जो एग्जिस्ट कर रही है बदकिस्मती से। देखें, आपने पश्तून अपराइजिंग की बात की, तो दुनिया में जहां भी किसी भी कौम को उसके हुकूक से महरूम रखा गया है और जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, उनकी आवाज को सुनने और उन्हें उनके हुकूक देने के बजाय जहां ताकत इस्तेमाल की गई है, तो वहां इसी तरह की तरीके भी उठती हैं, और ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में फिर सकूत ढाका वजूद में आते हैं। यहां मैं इसकी और आगे तफसील में जाने के बजाय, देखें हम तो कहते हैं तो शायद नहीं माना जाता, ये किताब है एक पंजाबी दानिश्वर की लिखी हुई है डॉक्टर सफदर महमूद की, पाकिस्तान क्यों टूटा, इसमें पढ़ लिया जाए पढ़ने वाले के बंगालियों के साथ क्या क्या किस किस तरह से नाइंसाफियां की गई, और फिर जो कुछ, एक तो किताब ये है, दूसरी किताब मैं कहूंगा कि पढ़ने वाले पढ़ें ब्रिगेडियर सिद्दीक साली की किताब, जी जी, जो के वहां मौजूद थे इस पाकिस्तान में, और जब फौज ने सरेंडर किया तो वो उन हथियार डालने वालों में भी शरीक थे, उन्होंने अपना आंखों देखा हाल लिखा है जी अपनी इस किताब में, जिसका नाम था मैंने ढाका डूबते देखा जी। एक वाकया सिर्फ हवाला दूंगा इस किताब में, ब्रिगेडियर सिद्दीक साली साहब फरमाते हैं कि जब 16 दिसंबर को हथियार डाले जाने थे और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इंडिया के, उनको ढाका पहुंचना था, तो उनको रिसीव करने के लिए जनरल ए के नियाजी वो इंडियन जर्नलों के साथ ढाका एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हुए गंदे गंदे लतीफे सुना रहे थे और पहके लगा रहे थे, और जो कुछ उन्होंने लिखा है ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने वो पढ़ ले तो अंदाजा हो जाएगा। तीसरी किताब ब्रिगेडियर ए आर सिद्दीकी हैं, जिनकी किताब है ईस्ट पाकिस्तान द एंड गेम, आपने नहीं शाहरुख साहब जिक्र किया था कि खवातीन के साथ बेहुरमती की गई, लाखों खवातीन की असमत दरी की गई है, और बेशर्मी ये हमारे जर्नलों की, उस वक्त के जनरल याहिया खान वो बड़ी बेशर्मी के साथ मीडिया को सामने ये कहते हैं कि साहब लाखों के बारे में बात की है, लाखों नहीं है हजारों। ब्रिगेडियर ए आर सिद्दीकी इस किताब में, जो उनकी किताब है ईस्ट पाकिस्तान दी एंड गेम, वो कहते हैं कि जनरल नियाजी जो थे, जब ये खवातीन की बेहरमती की जाती थी बंगाली खवातीन की, तो वो इनका दिफा करते थे और ये कहते थे कि वो जहलम जाएंगे, नहीं वो सासर, ये भी अपने ये ब्रिगेडियर सिद्दीकी ही लिख रहे हैं कि वो पूछते थे कि शेरा कल रात तेरा स्कोर कितना रहा, जी जी, यानी कि कल रात तूने कितनी बंगाली औरतों की असमत दरी की, और उसका जवाब भी वो कहते थे कि भाई वो जो यहाँ लड़ रहे हैं तो क्या वो अपनी जिंसी तस्कीन करने के लिए वो जेलम जाए। ये हमारे जनरलों का हाल, और आपने शुरू दिन से
یہ فیصلہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مشرقی پاکستان بوجھ ہے ہم پر اور اس کو اس بوجھ کو اتارنا ہے, تو آپ نے لہذا جو کالونی بنایا ہوا تھا مشرقی پاکستان کو کہ مغربی پاکستان سے آپ وہ دیکھ لیں فوج میں بیوروکریسی میں وہ 1-2% صرف مشرقی پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی تھی, باقی پورا کالونی بنا ہوا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے وہاں کیا جاتا ہے جنگ کے سلسلے میں یہی ہوتا ہے. دیکھیں جی اور جنرل صاحب فرماتے ہیں جنرل ٹکا کینیڈا میں تم انگریزی بولتے ہو تمہیں جرمن بولنی ہے کل سے تو یا تو میں بھاگ جاؤں گا یا ان کو بھگا دوں گا. تو بنگالیوں کو اگر آپ کہیں گے کہ تمہاری آج زبان جو ہے نا وہ بنگالی نہیں ہے اور بلکہ اردو زبان ہے, یا نقوی صاحب کو یاد ہوگا یہ جب زبان کا مسئلہ شروع ہوا تھا یہ اس پہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بنیاد بنی تھی یہ اس پورے فتنے کی؟ جی میرا خیال سے یہ 47 یا 48 سے سب سے زیادہ اسٹرانگ جب وہاں کی اسمبلی نے یہ ریزولوشن دینے کی کوشش کی کہ ایسٹ پاکستان کی نہیں بلکہ اسٹیٹ لینگویج ایک بنگالی ہونی چاہیے, تو اس کو روکا گیا. پھر قائد اعظم گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں اردو اور صرف اردو ہوگی, جس کے بعد بہت ایجیٹیشن ہونا شروع ہو گیا, فسادات ہوئے. جی فسادات ہوئے, اس سے کوئی اسپیسیفائی نہیں ہوا. اچھا میں دیکھ رہا تھا جب مصطفیٰ بھائی ذکر کر رہے تھے صدیق سالک اور اے آر صدیقی صاحب کی کتاب کا, آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو واقعات اس میں درج ہیں, کچھ آپ کے تجربات میں اس طرح کی کوئی بات ہے یا ایسا؟ جی نہیں, وہ یہی ہے کہ بہت اٹراسٹیز ہوئی ہیں اور بلکہ اس میں فوجیوں کا, اور نیازی صاحب تو بہت زیادہ بدنام میں زمانہ وہ تھے اور انہوں نے بلکہ یہ مشہور ہے محمود الرحمان کمیشن میں بھی لکھا ہے کہ وہ خود بھی بہت زیادہ انوالو تھے ان سب ریپنگ میں اور سب چیزوں میں, تو وہ بالکل کوئی کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی, وہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہمیں ان کو کچلنا ہے اور کچلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے, یعنی جیسے کوئی فورن فوج اپنے کسی دشمنوں کے سامنے آئی ہے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا کہ جیسے ہم ایک فورن فوج ہیں اور یہ عوام جو ہے یہ دشمن ہیں ہمارے. آج بھی گورا صاحب یہی سچویشن آپ کو نظر نہیں آتی کہ سارے ایکشن سارے آپریشن ساری مار کٹائی لاپتہ ماورا عدالت قتل مسک لاشیں یہ ایک فورن فوج جو ہے فورن کسی ریاست پہ کر رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی لیے ہمارے ہاں صدراز سے یہ ایکسپریشن ہے کہ ہماری فوج اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار بڑی کامیابی اتر آتی ہے. وہ ایسی فتح ہے کہ جو 1971 میں جب ہندوستان کو بہت بڑی طاقت نہیں تھا, آج تو وہ بہت بڑی طاقت ہے, اس زمانے میں جب ہندوستان سے پالا پڑا تو 2 گھنٹے میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. تو اپنے عوام کو یہ فتح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور پوائنٹ آپ کلیئر کیجیے گا گورا صاحب, یہ کہ یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان 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 نے بنگلہ دیش یہ کر دیا توڑ دیا. آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ عالمی قانون موجود ہے کہ جب کسی بھی ایک ایریا میں اٹراسٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں بروٹیلٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو نیبرنگ ریجنل پارٹنرز کا فرض بن جاتا ہے, یہ عالمی فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس میں انٹروین کر سکتی ہیں, اور اس میں یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے کسی کی سوورنٹی پہ قبضہ کیا بلکہ آپ نے انسانی حقوق کے لیے ایک مداخلت کی. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میرے ایک دفعہ ٹاک شو میں ایک بنگالی جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھیوں میں سے تھے اور جو اس وقت بعد میں کیبنٹ میں آئے, تو وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا ان کا انٹرویو کرنے کا, تو انہوں نے کہا کہ وہ خود اندرا گاندھی سے ملنے گئے اور چند لوگوں کے ڈیلیگیشن میں وہ شامل تھے, اور انہوں نے کہا مس اندرا گاندھی سے کہ وہ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ ہم انٹروین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ایک فوراً طاقت کے لیے بہرحال مشکل ہوتا ہے, تو کہنے کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ انٹروین کیوں نہیں کرنا چاہتی, تو وہ انہوں نے ذرا غصے سے کہا کہ تم کیا ہمارے ایجنٹ کے طور پر کہلوائے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا تم آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ہماری نسلوں کا صفایا ہو جائے اور ہم ایجنٹ نہ کہلوائیں؟ فار گاڈ سیک, یہاں انسانی زندگیوں ایک اجتماعی جو ہے میسیکر کا مسئلہ ہے اور آپ ہمیں سبق سکھا رہی ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل رول ہیں کہ انٹروین نہ کریں. ہمیں تو اسرائیل بھی اگر ساتھ دے گا تو ہم تو اس صفاق آرمی سے جان چھوڑانا چاہیں. یہ ملتے جلتے خیالات جو آپ نے بھی فرمائے ہیں, شیطان ساتھ دے, اسرائیل ساتھ دے, ہندوستان ساتھ دے, آج کل یہ گونج رہے ہیں پاکستان کے مختلف خطوں میں. بہروز خان صاحب, آپ لوگ کی جو یہ اپرائزنگ میں نے ابھی ذکر کیا پشتون کی,
इसमें तो इन पे तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लग रहा है कि कभी ये एनडीएस के लोग हैं, कभी ये रॉ के लोग हैं, किसके लोग हैं लोग? अच्छा, बैटरी लो है, अगर बीच में बंद हो गया तो माजरत के साथ। बात ये है कि अगर ये एनडीएस के लोग हैं, ये रॉ के लोग हैं, तो इन्होंने ये मुतालिबात का हुसूल जो है वो पाकिस्तान के आईन के तहत इन्होंने मुतालिबा किया है। तो पाकिस्तान के आईन में जो शिकें रा और एनडीएस ने वो किए हैं, इंसर्ट किए हैं, और जिनके तहत ये लोग ये मुतालबा मांग रहे हैं, इनका हल ख्याल में उन शिकों को निकाल दिया जाए तो आईन साफ हो जाएगा। फिर ये भी साबित हो जाएंगे कि ये एनडीएस और उसके एक तरफ ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि इनसे बातचीत जब हुई, देखिए उनके मुतालबात क्या हैं। मुतालबा उनके कहते हैं कि रावानवर जिनको जे आई ने मुजरिम कहा कि 444 लोगों का कत्ल किया है, उन्होंने के लिए एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने माइन को जो हर रोज वहां पे माइन खोजने लगाए हैं, उन माइन से वो लोग ये लाए अदालतों में पेश करें, तो इनमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सा मुतालिबा है जो रापा है, जो इंडियस का है? इंडियस तो खैर अफगानिस्तान है, वो तो पश्तूनों का एक अपना खून और उनके तो हमदर्दी है, लेकिन रॉ जो है अफगानिस्तान का या पश्तून का तो कोई बॉर्डर नहीं लगता इंडिया से। इंडिया से बॉर्डर तो पंजाब का लगता है, सिंध का लगता है। नहीं, रॉ जो है ना, ये आपके बराबर में जो मुस्तफा भाई बैठे ना, ये रॉ वाले ये लोग हैं, और इन पे ज़्यादातर इल्ज़ाम रखता है कि हिंदुस्तान से तरबियत और असला और पानी की टंकियों से रॉकेट मिज़ाइल पता नहीं क्या क्या बरामद कर लेते हैं। लेकिन जो आपने राव अनवार का जिक्र किया, 444 कत्ल, वो 444 कत्ल के जो नोहा है, जो सानिया है, वो तो इनका मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी और इनकी पार्टी और इनकी जमात, इनके कारकुनान, इनके नौजवान, मासूम नौजवान, वो लोग जो कि सियासी भी नहीं थे, हमदर्द भी नहीं थे, उन तक की लाशें उठाई हैं इन्होंने। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब, राव अनवार तो कराची शहर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो वहाँ का प्रिंस है। एक शख्स की खातिर रियासत ने पूरी कौम को जो है वो ललकारा हुआ है। नहीं, मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, ये मामला एक शख्स का नहीं है। हनीस फारूक साहब, ये मामला, ये जो हमारे मोहतरम ताहिर गोरा भाई ने कहा ना, माइंडसेट, ये बेसिकली ये जो जदीद ईस्ट इंडिया कंपनी है पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल में, ये उसका मामला है सारा, जो जिसके लिए जिसकी नजर में सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही पंजाब है, लिहाजा वो जिसको पाकिस्तान समझते हैं उसके मफाद के तहफ्फुज के लिए वो कभी बलूचिस्तान में फौज कशी करते हैं, कभी पश्तूनख्वा में ताकत इस्तेमाल करके वहां की आवाज को दबाते हैं, कभी अंदरून सिंध में डाकुओं को कह के वहां ऑपरेशन किया जाता है, और कहीं दहशतगर्द कह के कराची और सिंध के शहरी इलाकों में महाजरों को कुचलाया जाता है। यानी कि ढाका में जाके जनरल टिक्का खान कहता है कि मुझे जमीन चाहिए, इंसान नहीं जमीन चाहिए, और कराची में कहीं जनरल जियाउल्लाह का जाता है, और कराची में आकर जनरल आसिफ नवाज कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग 6 हो सकती है तो एमक्यूएम के 6 ग्रुप क्यों नहीं हो सकते। लिहाजा ताकत इस्तेमाल की जाती है एमक्यूएम को खत्म करने के लिए, महाजरों की आवाज को खत्म करने के लिए, और हजारों को कत्लेआम कर दिया जाता है। फिर आज की जो बात है तो उसमें आपके सामने है कि आप ये देखें कि जो सिलसिला शुरू होता है 92 से, वो सिलसिला आज भी जारी है। 22,000 से ज्यादा महाजर नौजवान शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लापता हैं, और ये आप एक राव अनवार की बात कर रहे हैं, ये तो एक मोहरा है, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये सब मोहरे हैं, असल चीज उसकी है। यहाँ सूरत हाल ये है, आप ये देखें, अलिमिया हमारा ये है कि एक लफ्ज पे किसी नारा लगा दिया अल्ताफ हुसैन साहब ने, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया अल्ताफ भाई ने। मैं ये सवाल करूंगा अनीस फारूकी भाई कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना बड़ा जुर्म है या पाकिस्तान तोड़ देना बड़ा जुर्म है? हमारा अलिमिया ये है कि जो जर्नल
जो पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार हो जनरल नियाजी, उसको पाकिस्तान में हार फूल पहनाए जाते हैं और कौम का गाजी जनरल नियाजी के नारे लगाए जाते हैं। और जो अल्ताफ हुसैन वो महाजनों के हकूक की बात करें और जो जुल्म हो रहा हो, मांस शुदा लाशें मिल रही हों रोजाना उनके साथियों की, वो उस पर जज्बात में आके एक लफ्ज कह दें तो आप उसको जवाब बना के पूरी फौजकशी कर दें। उनका घर आज भी सील है, दफ्तर सारे मिसमार हैं और एक ताकत है जो एक बदमाश हाथी की तरह कुचले कुचलना जारी रखे हुए, और आज भी कितने ही लोग, यानी कि आज नाम लेना जुर्म है अल्ताफ भाई का। जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, आज जैसे मैंने कहा कि जिसको वो पाकिस्तान समझते हैं पंजाब को, उसके मफादात के तहफ्फुज़ के लिए वो सीपैक भी आ जाता है, और सीपैक के लिए पश्तूनों की आवाज को नहीं समझा जाता, बलूचिस्तान में बलोचों के घरों को जलाया जा रहा है, उनको उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, फिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, जब तक पश्तूनख्वा को भी, बलूचिस्तान को भी, सिंध को, कराची को भी पाकिस्तान नहीं समझा जाएगा, वहां के रहने वालों को, महाजरों को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, सरायकियों को, सबको पाकिस्तानी नहीं समझा जाएगा, सबके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाएगा, सबको उनके हकूक नहीं दिए जाएंगे, तो मतलब वही बात होगी कि दो नहीं एक पाकिस्तान। इस वक्त तो कई पाकिस्तानों की ताहिर असलम गोरा साहब सूरत हाल नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह अभी मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब कह रहे थे कि ये मुख्तलिफ एक माइंड सेट चला आ रहा है, और कभी बलूचिस्तान पे, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी महाजरों पर, ये सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा है। हर दौर में एक नियाजी आया और उसने अपना ऑपरेशन किया, ये नियाजियों के आने का सिलसिला कब बंद होगा, चाहे वो वज़ीर आज़म की सूरत में हो, चाहे वो वर्दी की सूरत में हो। देखिए ये तो वही सिलसिला है जो फिर माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है, नाम तो नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। वो एक ख़ास सांचे में ढले हुए लोग हैं जी। चाहे वो सियासतदान हो उनकी मर्ज़ी के एस्टेब्लिशमेंट की, चाहे एस्टेब्लिशमेंट खुद हो, चाहे मीडिया उनकी मर्ज़ी का हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सनतकार हो, तो ये जो सारे का सारा एक सांचा है, वो हमारे एक पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है दोले शाह के चूहे जी, वो एक सांचा बना हुआ है, वो फिट कर देते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो जी, चाहे आपका बैकग्राउंड बलोच हो या महाजर हो या सिंधी हो, जो उस सांचे में फिट आता है वो उस सांचे में फिट कर देते हैं और कहते हैं जी कि ये अब जो दोले शाह के जो चूहे हैं ये अब पाकिस्तान चलाएंगे और यही बचाएंगे। ना उनसे पहले बच सका अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। आगे मैं ये नहीं कहता कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये नहीं है अगर टूटता है या नहीं टूटता, मेरा कंसर्न ये है कि जो इस वक्त के हालात हैं वो टूटने से ज़्यादा अबतर हैं जी, इतने का अबतर हैं कि अगर उनको इसकी समझ आ जाए तो कोई वो राह निकाल लें, लेकिन मैं तो दुख से कह रहा हूँ मुझे तो कहीं भी कोई राह निकलती नज़र नहीं आ रही। 2.5 लाख महसूरीन या नकवी साहब कैंपों में जिस तरह से की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल अबतर सूरत हाल है, इंसानी अलमिया है बड़ा, इसका ज़िम्मेदार कौन है जी? देखिए ये तो हमने पहले ही, वो अब तो वो मैसूरीन और वाकई वो पाकिस्तानी हैं और काफ़ी पहले इन लोगों को वहाँ से आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारी जो पुरानी गवर्नमेंटें, अब तो कितने साल हो गए, उन्होंने बिल्कुल इनका कोई इनसे इनको वापस लेने से बिल्कुल यानी बेदर्दी से, या जिसको कहें कि बहुत ही क्रूएली और संगदिली से साफ मना कर दिया कि इनको हम नहीं लेंगे, हालांकि इन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। और ये अभी भी जो इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ हैं उनके में रजिस्टर हैं, उनमें कोशिश में हैं और ये यही चाहते हैं। और ये तो उस वक्त जो ये मुल्क टूटा उसके बाद की गवर्नमेंट्स थीं, जिसमें सब गवर्नमेंट्स हैं भुट्टो से लेके अब तक, इनमें इनको रफ्ता रफ्ता करके अगर ला सकते थे तो बहुत आसानी, एक बड़ा मुतालबा रहा, बहुत आसानी जी हाँ जी, बहुत बहुत लोगों का मुतालबा था कराची में भी, लाहौर में, सब जगह। लेकिन यही है कि ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं हमारे भुट्टो साहब से, यानी इस पाकिस्तान के अलग होने से अब तक, इन्होंने नहीं चाहा कि ये लोग आए, और उसके कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात ये हैं कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पर और लोग जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बोझ बर्दाश्त हो, या ये कि ख़ास एथनिक ग्रुप जो है उसको स्ट्रेंथ मिले।
جو بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ذمہ دار ہیں. یا پھر یہ کہ مطلب ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت نہیں موجود ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے، ورنہ آئی ڈی پیز کی صورت میں ہم نے کتنے ملینز افغانستان کے لوگوں کو کتنے سالوں تک پاکستان میں رکھا، پناہ دی، ان کی دیکھ بھال کی بہروز خان صاحب، اور اب ہمارے اپنے خود اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی ملک میں آئی ڈی پیز بن کے بھی رہے، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پیچھے ان کے گھروں میں لوٹ مار کی گئی، ان کے ساز و سامان جو ہے وہ چوری کر لیا گیا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ، میرے خیال میں بہروز خان صاحب سے ہمارا رابطہ شاید کٹ چکا ہے. میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں، جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہ ان کے آپ کو شاید علم میں ہو کہ جس طرح کی جب وہ اپنے گھروں میں واپس گئے تو ان کے پاس گھر میں برتن تک بھی موجود نہیں تھے. یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور چاہے آئی ڈی پیز ہوں یا محصورین ہوں، دیکھیے یہ تاریخ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے اور ہتھیار ڈالنے والی پاکستان کی فوج وہ دو سال بعد واپس آ جاتی ہے. بڑے ہار پھول بھی پہنائے جاتے ہیں ان کو، لیکن وہ لوگ جو بنگالی نہیں تھے جی، جو پنجابی نہیں تھے جی، جو سابقہ مشرق پاکستان میں تھے، جو جنہیں عرف عام میں بہاری کہا جاتا تھا، جو مہاجر تھے اردو بولنے والے، وہ کیمپوں میں پھینک دیے گئے، ان کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، قتل عام بھی ان کا ہوا، اور پھر نتیجہ یہ کہ آج 47 سال ہو گئے ہیں، ان کو وطن نہیں لایا جاتا، ان کی ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل ختم ہو گئی، تیسری نسل وہاں سسک سسک کر گندی نالیوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان کو نہیں لایا جاتا. ہم نے عالمی طاقتوں کے اشاروں پر ڈالر وصول کرنے کے عوض ہم نے لاکھوں افغان ریفیوجیز کو تو اپنے ہاں 60 لاکھ سے زیادہ اپنے ہاں پناہ دی پورے ملک میں، لیکن 2-2.5 لاکھ جو پاکستانی تھے، جو صرف نام کے پاکستانی نہیں تھے، جنہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ بنانے کے لیے 1947 میں اور پھر 1971 میں پاکستان کو بچانے کے لیے دوسری مرتبہ لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ آج تک کیمپوں میں وہاں پڑ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں لایا جاتا. ہم نے تو شروع سے اس کا مطالبہ کیا. الطاف بھائی کی پہلی گرفتاری 1979 میں وہ اسی بنیاد پر ہوئی کہ انہوں نے محصورین کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں نے فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کی دفاع میں قربانیاں دیں، اور ہمارے فوج کے چیف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کہتے ہیں کہ یہ بہاری نہیں، یہ بھکاری ہیں. جی جب اس طرح کا سلوک کیا جائے گا، اس طرح سے پکارا جائے گا، تو ان کو وطن واپس لانا تو دور کی بات، آپ تو ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے، تو پھر مجھے بتائیے پھر لوگ کیسے، ان میں کیسے یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ وہ وطن کے لیے قربانیاں دیں. بالکل، اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی یہ جو آپ نے آئی ڈی پیز کا کہا، آپ دیکھیں نا کتنے بڑی تعداد میں لاکھوں پشتون جو ہیں قبائلی علاقوں سے وہ اپنے گھروں سے در بدر ہیں، ان کے گھر سے ان کو نکال دیا گیا کہ صاحب ہم طالبان کے خلاف کاروائی کریں گے، ان کے گھروں پر، ان کی دکانوں پر قبضے کر لیے گئے، اور وہ بےچارے اپنے خاندانوں کے ساتھ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے. جی جی، اور آپ کی جماعت تو اس بارے میں کافی کرتی رہی ہے. طاہر رحم گور صاحب، یہ جو ہم واپس آتے ہیں، صدیق صالح صاحب کی کتاب ہے اور اس میں جو مظالم لکھے گئے تھے، ہم اسے نظریں کیوں چراتے ہیں؟ کیا یہ، اور آج پاکستان میں کوئی اس بات کو کیوں نہیں مانتا؟ ہم جو سینوں پہ اتنے تمغے سجائے ہمارے جرنیل گھومتے ہیں، مجھے میرا سوال یہ کہ کس فتوحات کے یہ تمغے سجا کے گھومتے ہیں؟ دیکھیے، وہی اپنی ہی عوام کو مارنے اور فتح کرنے کی فتوحات ہے نا جی. اور باقی جو ہے کہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے، باقی کون سی کسی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی ریالٹی کو نہیں سمجھ رہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کیونکہ دیکھیں اکانومکلی تو ہماری بیک بون ٹوٹ چکی ہے. ہاں، تو وہی آپ نے اہم بات اٹھائی، جب جس قوم کی آج کے زمانے میں اکانومی ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا. جی آپ 220 ملین لوگوں کا ملک ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سے 3 ملین ڈالر اکٹھے نہیں ہو رہے کیش. جی تو
आप किस चीज़ की बड़कें लगाते हैं, किस चीज़ के दावे करते हैं, मतलब ग्राउंड रियलिटीज तो यही है। अच्छा फिर चलिए, आपका ये वक्त बुरा है जी, चले मान लिया, आइंदा क्या नज़र आ रहा है? प्रोडक्शन आपके यहाँ नहीं हो रही, इंडस्ट्री आपके यहाँ नहीं लग रही, जो चीन से जो सी पैक का जो, वो भी अब दुनिया पर पोल खुल चुके हैं। सी पैक क्या खाक था? वो पंजाब में 3 शायद पावर प्लांट लगे हैं, उसमें से जो पैसे आए हैं वो आए किसके हैं? पाकिस्तान को तो नहीं आया, तो खैर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो खुद इसमें फंस गई है सी पैक में। हुआ ये है कि वो तो अब सबको पता चल गया कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के कहीं चले गए जो चाइनीज़ के साथ रवाबत हैं, चाइनीज़ ने अपनी कंपनियाँ खड़ी की, अपने वर्कर मंगवाए और वो जो गंदी टेक्नोलॉजी पुरानी थी वो आपके हवाले की, कर्जा पे चढ़ गया। अब आप IMF से ले रहे हैं पैसे, लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीनी कर्जा धीरे धीरे उतार सकें जी। तो ये तो आपकी बसीरत है, तो तमगे आप सीने पे क्या सर पे सजा लें जी। जो आपके लक्षण हैं, जो करतूत हैं, वो तो अब बिल्कुल वाजे हो चुके हुए हैं। अब यही है कि जो 220 मिलियन की नेशन $3 बिलियन इकट्ठी ना कर सके जी, तो उसको तो फिक्र करनी है। मुझे तो ये फिक्र है कि वो मुल्क बांग्लादेश जो बना, जो हमसे अलग हुआ, वो उसका टका और आज हमारा रुपया कहाँ है? मुझे तो फिक्र नहीं है अनिस सर, मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो कभी कशकोल लेके नहीं फिर रहे जी, हम तो हमेशा ही कशकोल लेके फिर रहे। नहीं लेकिन देखा तो जाए, ये तो दावे करते हैं ना कि जी ये तो गरीब लोग थे, इनके पास कोई स्किल्स नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये 6 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज उनका रुपया हमसे ज़्यादा मजबूत है यार रफी साहब, ये अलमिया आप देख रहे हैं कि हम तारीख ने हमें किस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, हमारे पास हमारा जो कारमा जो था वो आज हमें कहाँ लाके खड़ा किया है। जब हम आज 16 दिसंबर 2018 की बात कर रहे हैं तो शर्म से कहते हैं कि आज हमारी इकॉनमी हिंदुस्तान तो छोड़ें बांग्लादेश से भी नीचे गई थी। जी हाँ, देखिए इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क में, और इकॉनमी सुधारने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। और सब यानी कि आप ये करें, इस पर तवक्कुल ना करें कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था तो शायद जी। तो अब मेरे तो जहन में बिल्कुल दूसरा ख्याल है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि पानी जो है वो हमारे सर से ऊपर चढ़ गया है और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इकॉनमी से कैसे निकलें। दूसरा मसला ये है कि अब वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का भी मसला बीच में है, जिसको कि बार बार अब तो लोग कह रहे हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज़्यादा मसला हमें इंटरनल फोर्सेस से, हमारी सिक्योरिटी इंटरनली इंटरनल थ्रेट ज़्यादा हैं। तो ये भी एक हमें मसला है कि एक्सट्रीमिस्ट जो फैक्टर्स हैं जो नॉन, वो उनसे कौन निमटेगा? मैं तो नहीं समझता कि अब इस वक्त किसी में भी ताकत इतनी है कि वो इनसे निमटेगा। तो इससे ये बहुत फिक्रमंद चीज़ है। ताहिर गोरा साहब कहते हैं कि माइंडसेट, हमें बहुत ही बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस का मसला ये है कि आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट में मेरे हिसाब से 4 एलिमेंट होते हैं, और चारों एलिमेंट अगर सही डायरेक्शन में ना हो तो वो नहीं चल सकते। सबसे पहले तो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसके बाद आर्मी और सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, और उसके बाद टोटल जो पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी होती हैं, और चौथी जो है वो जुडिशरी होती है। इनका किबला जब तक सही नहीं होगा, माइंडसेट जैसे है, इनका माइंडसेट जब तक सही नहीं होगा, मुझे ये आगे बढ़ता हुआ मुल्क में, मैं तो दुआ करता हूँ कि मुल्क की, और हम सब मोहब्बत करते हैं मुल्क से कि मुल्क में कोई तरक्की हो, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये सब के सब मुल्क की तरक्की की बजाय पीछे धकेलने के लिए चल रहे हैं, और इनको कौन अब आगे धकेलेगा ये सबसे बड़ा आलमिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस ताकत है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से भी आगे अब बात निकल बात बहुत आगे निकल गई है। मुझे सर दो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि मुख्तलिफ ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के आपने टर्मिनोलॉजी सुन ली होगी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की से आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक तो ये। दूसरा ये कि आपने पिछले दिनों एक पेपर सामने आया था ग्रेटर पंजाब के नाम से, एक डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, एक फ़लसफ़ा था, एक पुराना मेरे ख्याल में कोई खिताब था अल्ताफ़ हुसैन साहब का, उस पर वही जो उन्होंने कई सालों पहले पेशेंगुई की थी वो आज के दौर की अक्कास है, उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए आपने बहुत अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया है, अब से 23 साल पहले
1995 में अल्ताफ भाई ने पाकिस्तान के अवाम के नाम अपने खुले खत में इस साजिश का इंकशाफ किया था कि एक ग्रेटर पंजाब की मंसूबा बंदी की गई है जिसमें मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है और उनके साथ जो फ्यूडल्स हैं वो इसमें मिले हुए हैं और एक ग्रेटर पंजाब के लिए काम किया जा रहा है जिसमें ईस्ट और वेस्ट पंजाब को मिलाना और उसमें कराची को उस ग्रेटर पंजाब की सैटेलाइट स्टेट बनाना। लिहाजा इसी मकसद के तहत वहाँ एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया 92 से और वो मुसलसल जारी है और इसमें वहाँ के जो कुछ सिंध के जो वडेरे हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। नतीजा ये है कि वहाँ फौजकशी है मुसलसल क्योंकि कराची, आप दुनिया जानती है कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है और पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है कराची की इकोनॉमी और वहां से हासिल होने वाले 67% जो रेवेन्यू है मुल्क का वो कराची से मिलता है पाकिस्तान को। लिहाजा ये सब कुछ वहां हो रहा है और ये जो आज हमने ताजा तरीन अभी देखा बहरोज खान साहब चले गए, उन्होंने जिक्र किया करतारपुर बॉर्डर का, तो ये बात मजहब की नहीं है, ये बात है पंजाब की कि जिसके दरमियान से 47 में एक लकीर आ गई थी, इनको मिलाना है और वहां से आने वालों ने भी खुद ये कहा कि साहब ये तो बड़ी नेमत है कि ये दोनों पंजाब आपस में जुड़ गए। तो उसी ग्रेटर पंजाब के मंसूबे पर अमल होते हुए कराची को सैटेलाइट स्टेट बनाना, तो लिहाजा वहां ऑपरेशन हो रहा है। बलूचिस्तान उसे सीपैक के नाम पर वहां के वसाइल पर कंट्रोल करने के लिए उसको वहां ऑपरेशन किया जा रहा है और वहां सारा इस वक्त फौज की कॉलोनी बना हुआ है बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है और वहां से उठने वाली आवाज को भी दबाया जा रहा है। ये देखें पाकिस्तान का, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह की मादनी दौलत वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में दिए हैं लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद इज्तिमाई मफाद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मफाद को हमेशा पेश नजर रखा गया है जिसका नतीजा हमारे सामने है। हम एटमी ताकत पर बहुत नाज करते हैं लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सोवियत यूनियन वो बहुत बड़ी एटमी ताकत था, जितने पाकिस्तान के पास आज एटम बम हैं उससे कई गुना ज्यादा एटम बम सोवियत यूनियन के पास था जी। लेकिन वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके एटम बम उस मुल्क को बिखरने से नहीं बचा सके सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी और वहां आजादियों की आवाजें उठी। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमें हमारी मईशत बेहतर कैसे होगी, हमने सिस्टम को चलने कब दिया है, हमने किस हुकूमत को चलने दिया है। नतीजा यह है कि कोई हुकूमत आए हुए से चंद दिन नहीं गुजरते कि साजिशों का आगाज हो जाता है, तो कैसे कोई दुनिया भर के लोग जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फिर हमने शुरू से आज तक जो है वो भीख पर, इमदाद पर और कर्जों पर गुजारा किया है। नतीजा यह है कि हमारा एक एक फर्द, एक एक शहरी और पैदा होने वाला एक एक बच्चा जो है वो अरबों के कर्जों में जकड़ा हुआ है, तो कैसे हमारी मुल्क की मईशत बेहतर होगी। और बदकिस्मती यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल का हकीकत पसंदाना तजिया करने के बजाय आज भी आंखें चुराते हैं हम और अपने हकाइक से नहीं, आंखें नहीं, आंखें नहीं हुजूर, मालूम है सबको, अंधे नहीं है, सब जानते हैं क्या हो रहा है लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहन से नहीं बंदूक से और ताकत से सोचा जा रहा है। और अपने इस नुक्ते को खत्म करते हुए मैं शायर अवाम हजरत हबीब जालिब का ये शेर आपके सामने रखूंगा, वो कहा और उन्होंने भी इत्तफाक से ये जब सकूते ढाका हो रहा था हबीब जालिब साहब ने उस वक्त कहा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो, कि मंजिल खो रहे हो। मुस्तफा जिदवादी के इन्हीं अशार, खूबसूरत हबीब जालिब के अशार के साथ
मैं चाहूँगा कि याह नकवी साहब और ताहिर असलम गोरा साहब क्विकली अपना समअप करते हुए एक फ़ाइनल कंक्लूजन पेश करें तो हम प्रोग्राम को फिर ख़त्म करें। जी ताहिर असलम गोरा साहब। जी बातें तो काफ़ी कर लीं और मेरा ख़्याल है हमारे लिए भी, एनालिस्ट के लिए भी और पाकिस्तान के बैक होम के एस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतें उनके लिए भी, बातों का वक्त भी अब गुजर चुका है जी। अब तो कुछ करने का वक्त है। हम तो खैर मशवरे ही दे सकते हैं और यही हमारा काम है। उनको कुछ एक्शन करना है, ढंग का एक्शन करना है। बंदूक जिसकी बात और गोली जिसकी बात मुस्तफा अज़ीज़ आबादी भाई कर रहे हैं, उससे बाहर निकल के सोचना है, कोई आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोच लें खुदा के लिए, अगर बचाना है अपने आप को। वरना ये जो रास्ता है ये असल में उसी ताकतवर सो कॉल्ड ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की अपनी तबाही का रास्ता है। अपनी तबाही जी। या नकवी साहब। जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि जब तक, मैंने तो पहले भी कहा कि ये स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं कर सके और हम अभी भी कुछ, अब तो इतनी बिल्कुल लोवेस्ट ऐप पे हैं कि अब इकनॉमी पॉलिटिक्स हर चीज़ जो है वो अब इस मुल्क में अफरा तफरी है, टोटल कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन के लिए भी कुछ अकल होनी चाहिए कि अगर सुधार सकें, वरना तो फिर कोई मसीहा ही आके इसको सुधार सके, जिसका हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। रही पाकिस्तानी कौम, खुमैनी आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई इंकलाब आएगा, शायद आखिरी मसीहा इमरान खान आ गए हैं। इमरान खान एक पॉपुलर आखिरी न्याजी आया है, एक न्याजी जो जिसने एक वतन तोड़ा था, अगला न्याजी क्या करेगा अल्लाह जानता है। तमाम हाजरीन का शुक्रिया। बहरोज़ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से, उनका भी शुक्रिया। अभी वो सब नहीं है हमारे साथ लाइन पे। याह नकवी साहब आपकी आमद का हम बहुत मशहूर हैं। ताहिर असलम गोरा साहब का शुक्रिया। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने लंदन से हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम अपने प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में मारूफ तजियाकार और सहाफ़ी जनाब श्याम अरशद निज़ामी साहब ने शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी नासाजी तबीयत के बायस वो शरीक नहीं हो सके। लेकिन उनका एक कॉलम है जो वो कई साल पहले शाया हुआ था और वो जब भी मैं पढ़ता हूँ वो कॉलम आज भी वैलिड लगता है। और उसका आखिरी एक इक्तिबास पढ़ता हूँ पैराग्राफ के, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तानी सियासतदान, फ़ौजी जर्नैल, सहाफ़ी और दानिश्वर क्यों नहीं सोचते, और ये जजेज़ हमारे इस बात पे क्यों नहीं सोचते कि आज जो कुछ तबाही पाकिस्तान में हो रही है कहीं ये उन महसूरीन की आह बका का नतीजा ही ना हो। ये इंसानियत के नाम पे क्यों बेदार नहीं होते। इन लोगों का हाल और मुस्तकबिल इसलिए तबाह हुआ कि इन्होंने आपके इस्तेहकाम के लिए काम किया और आपने उनको उनके रहम करम पे छोड़ दिया जो उनके खून के प्यासे थे। पूरी पाकिस्तानी कौम को कुदरत के सामने जवाब देना होगा। आखिर कोई तो हो जो खड़ा होकर इन मजलूम, महसूर और मजबूर पाकिस्तानियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, वरना ये दास्तान खून चका तो बार बार दोहराई जाएगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।